भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन देश भर में आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने झंडा वंदन कर देश हित में कार्य करने की शपथ ली। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि एनएसयूआई देश का सबसे बड़ा संगठन है। आज हमारा स्थापना दिवस है। हम युवाओं के बीच लोकसभा चुनाव में जाकर यह बताने की कोशिश करेंगे कि 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और आज की सरकार क्या कर रही है। आज के दिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता बच्चों के बीच जाकर उन्हें कॉपी किताब बांटेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लोकसभा चुनाव के लिए लेंगे। आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एनएसयूआई का 54वां स्थापना दिवस है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अपने स्थापना दिवस को धूमधाम से मना रही है। चूंकि इस बार जो है चुनाव का माहौल है, अभी कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो साथ ही साथ हम हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर उन तमाम छात्रों को, उन तमाम युवाओं को जाकर ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आज देश का माहौल है, उनको युवा होने के नाते किस प्रकार से इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए उनको आगे आने की आवश्यकता है। एवं साथ ही साथ कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि बच्चों में किताबें कॉपी बांटना, जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना और गुरुजनों का सम्मान करना, ऐसे कई कार्यक्रम शामिल हैं पूरे प्रदेश में। आज एनएसयूआई का पूरे देश में जो 54वां स्थापना दिवस है उसको जोर से और धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।